बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुबहान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए तरीके का स्नैक जो कि आप टीवी या मूवी देखने के दौरान एंजॉय कर सकते हैं। बहुत डिलीशियस किस्म का स्नैक आज हम रेडी करने जा रहे हैं। बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। चलिए बिना वक्त जाया किए स्नैक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 कप मैक्रोनी का लिया है और मैक्रोनी को हमने उबाल लिया हुआ है और ये यहाँ पर 90% तक कुक है। बहुत ज्यादा हमने इसको गलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैक्रोनी को कैसे उबाला गया है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज मैक्रोनीज की मैंने डाल रखी हैं। और इस मैक्रोनी में आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी सी नमी बाकी है जो कि हमें चाहिए थी। बहुत ज्यादा इसको हमने ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून, हमारे पास कॉर्नफ्लोर है और 2 टेबल स्पून ही हमारे पास मैदा है। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रोनी की हमने कौन से वाली शेप ली है। अगर आपके पास कोई सी भी है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने हल्के हाथों इसे मिक्स करना है, वरना इसे टूट जाने का खतरा होगा। यहाँ पर आप देखिए कि मैक्रोनी के ऊपर जबरदस्त सी कोटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं और मैदा आप 4 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा। किसी एक चीज के ना होने की वजह से आप रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी ना किया करें, उसके अल्टरनेट में कोई चीज डाल दिया करें। और अब हम इस तरह की छन्नी लेंगे और इसमें से जो एक्स्ट्रा मैदा है और कॉर्नफ्लोर है वो हम झाड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मैदा था वो हमने झाड़ लिया है। और चलते हैं अब हम आगे के प्रोसेस में। और दूसरी तरफ गैस पे रख देंगे हम एक अदद कड़ाही और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 कप जो है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, चूल्हे का फ्लेम मीडियम है। और अब हम इसमें ये डाल देंगे मैक्रोनी जिसको हमने कोट करके रखा हुआ था। और अब यहाँ पर आता है एक इम्पोर्टेंट टिप, आपने इसको 30 से 40 सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करना। यहाँ पर हो चुके हैं 30 से 40 सेकंड और अब हम इसे हल्का सा हिला लेंगे। और इनके ऊपर हमने खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेके आना है। यहाँ पर चूल्हे का जो फ्लेम है वो आप हाई भी रख सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए। और आप देख सकते हैं इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और चलते हैं फिर आगे के प्रोसेस में। और अब हम इसे बाउल में डाल लेते हैं और इसके ऊपर मसाले की कोटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। यहाँ पर 2 चुटकी हमने लिया है लहसुन का पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, 1 चुटकी हमने नमक लिया है। नमक हम इसमें बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि मैक्रोनी को उबालते हुए भी हमने इसमें नमक ऐड किया था। 1/2 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया है जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हमने लिया है ये हमारे पास काली मिर्च का पाउडर। और इन सारे स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद हम इसको इस मैक्रोनी में डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इसे शेक कर लेंगे। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी मसाला मैक्रोनी बनके रेडी हो चुकी है। आज से आप लोग बाजार के जो कुरकुरे हैं वो भूल जाइए और इसे अपने घर में बनाइएगा। ये बहुत डिलीशियस किस्म की बनके तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।